ब्लॉक पेंटिंग या ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में आपने जरूर सुना होगा। ब्लॉक प्रिंटिंग में लकड़ी के बने हुए छोटे छोटे ब्लॉक इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनके ऊपर अलग अलग तरह के डिजाइन बने होते हैं। इन ब्लॉक्स को एक दूसरे के साथ कम्बिनेशन बनाकर कपड़े या कागज पर प्रिंटिंग की जाती है। लकड़ी के एक ब्लॉक पर डिजाइन बनाने के लिए कारीगर को इसके ऊपर कई कई घंटे मेहनत करनी पड़ती है, और कई बार तो ये मेहनत कई कई दिन तक चलती रहती है, तब जाकर एक अच्छा सुंदर डिजाइन वाला ब्लॉक तैयार होता है। क्या नाम है आपका? राम लखन। राम लखन, ये क्या बना रहे हो आप? छापे। छापे ब्लॉक। तो जैसे अब ये वाला ब्लॉक बना रहे हो, ये 6 इंच के आसपास लग रहा है, तो कितने टाइम में बनेगा ये? एक दिन लग जाता। पिछले 45 साल से ब्लॉक बनाने का काम करने वाले कारीगर ने बताया कि जितनी उनकी मेहनत होती है उतना मेहनताना उन्हें नहीं मिलता। आपका नाम क्या है जी? हमारा नाम सुभाष है। सुभाष जी, आप कितने टाइम से ये काम कर रहे हो ब्लॉग बनाने? हो गया करीब 45 साल। आपने शुरू किया या आपके? नहीं नहीं, शुरू से हमने किया, हमारे परिवार में ही। परिवार में नहीं करते थे? परिवार में, खेती बाड़ी काम करते। तो ये काम आजकल जैसे आधुनिक टाइम चल रहा है, मशीनी काम हो गया, तो उससे कम हुआ है या बढ़ रहा है? ऐसा है, काम जो मशीन में चला जाता है वो कम ही होता है, उन्नति का अवसर खत्म हो जाता है। अब इसमें हाथ के काम रह गया, मशीन चला गया, उन्नति का टाइम निकल गया। मेहनत से तो पेट तो पाल रहा है, पेट तो कैसे कोई भी पालेगा। उन्नति नहीं कर सकते, हम सुख 4 पैसे कमाना चाहें वो नहीं कमा सकते। रोजी रोजगार सिर्फ पेट ही पालने का हो रहा है। आप ये मानो कि अगर हम 10-20-25-50 हजार कमा ले महीने, वो नहीं है। अभी नए लड़के इस काम के साथ जुड़ रहे हैं या? हाँ, खूब नए लड़के से जुड़ रहे हैं इसके साथ। हाँ, जुड़ रहे हैं। बेशक इन लकड़ी के बने हुए ब्लॉक्स और इनसे की जाने वाली पेंटिंग की डिमांड भारत के साथ साथ विश्व भर में है, लेकिन ब्लॉक बनाने वाले ये कारीगर सिर्फ रोजी रोटी तक ही सीमित होकर रह जाते हैं। कपड़े पर पेंटिंग करने के लिए ये एक आसान तरीका है, और ब्लॉक प्रिंटिंग करने के लघु उद्योग बड़े स्तर पर पूरे भारत में चल रहे हैं। अगर हम घर पर ब्लॉक प्रिंटिंग करते हैं तो उसके लिए फैब्रिक कलर और एक्रेलिक कलर यूज किए जा सकते हैं, लेकिन जब इंडस्ट्री लेवल पर बड़े स्तर की बात करते हैं तो वहां पर पिगमेंट कलर या रैपिड कलर इस्तेमाल होते हैं। पिगमेंट कलर काफी बड़ी पैकिंग में आते हैं, जिसको बाइंडर के साथ मिक्स करके यूज किया जाता है। रैपिड कलर से छपने वाली प्रिंटिंग में प्रिंट होने के बाद कपड़े को एक खास किस्म के केमिकल के साथ वॉश किया जाता है, जो कि घर पर कर पाना संभव नहीं है। हालांकि पूरे देश भर में इसके लघु उद्योग बड़ी मात्रा में चल रहे हैं, परंतु पेंटिंग करने वाले इन कारीगरों को इनकी मेहनत के उतने पैसे नहीं मिलते जितने इनसे प्रिंटिंग करवाकर विदेशों में कपड़ा बेचने वाले व्यापारी कमाते हैं। क्या नाम आपका? अशोक कुमार जैसा। अब आज ये क्या है, इसकी मांग क्या है विदेशों में, सब जगह इस काम की? तो ये क्या है कि अब क्या है कि बड़े रूप में हो रहा है, लेकिन क्या है इसको भी क्या है कि लोग बाग जैसे मशीनरी वाले हैं तो मशीन प्रिंट करने लगे, मशीन तो वो मतलब इसकी अब वो क्या है कि मतलब इसकी नकल करके और वो मतलब मशीन में निकालते हैं, तो उसमें क्या है कि पड़ोसी निकलता है 2-5 हजार मीटर डेली का निकल जाता है। अब इसमें क्या है कि जितने के फिर निकलेंगे शाम को। कारीगर का मेहनत निकालने के बाद बच जाता है कुछ? हाँ, कुछ खर्चा पानी चलता है आजकल, वो बात पहले वाली। तो अशोक जी, जो आपने ये बताया कि ये जो हस्तकला का ये काम चल रहा है, तो इसकी डिमांड इंडिया में ज्यादा है या बाहर ज्यादा है? बाहर ज्यादा। किस तरह के मतलब जो विदेशी लोग आते हैं उनको ये पसंद आती हैं चीजें? नहीं, वो डायरेक्टली यहाँ नहीं आते हैं, वो क्या कि बड़े मतलब वो होते हैं एक्सपोर्ट वगैरह होते हैं, उनसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो उनको सप्लाई देते हैं, हमारे पास तो खाली जॉब वर्क के लिए आता है। ब्लॉक प्रिंटिंग की जानकारी वाली ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। पेंटिंग सीखने और पेंटिंग से जुड़ी जानकारी वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।